हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनिल अस्नोरा, आप देख रहे हैं अस्नोरा ब्रदर्स यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दहुआ और सीपी प्लस के न्यूली लॉन्च स्मार्ट डुअल लाइट कैमरास के बारे में। जैसा कि दहुआ ने अभी स्मार्ट डुअल लाइट के नाम से लॉन्च किया है और सीपी प्लस ने लूमैक्स के नाम से लॉन्च किया है, जो कि गार्ड प्लस के बाद की सीरीज लॉन्च हुई है। इनबिल्ट माइक और डुअल लाइट फंक्शन के साथ आता है। डुअल लाइट मीन्स स्मार्ट डुअल लाइट, स्मार्ट मीन्स IR एंड कलर विजन, जो इलुमैक्स का मीनिंग्स है। इस कैमराज में जो एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम दिया है, इसमें क्या किया गया है कंपनी द्वारा कि इसमें दोनों फीचर्स इनबिल्ड हैं, IR विजन एंड कलर नाइट विजन। तो जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट रहती है कि हमें कलर नाइट विजन चाहिए, तो उसको भी आप ये कैमरा लगा सकते हैं। और आपको अगर कोई कहता है कि हमें नाइट में IR कैमराज चाहिए, तो भी आप इसी कैमराज को लगा सकते हैं। हो सकता है कि आने वाले फीचर्स में जो IR कैमराज पहले आते थे कंपनी के, वो बंद हो जाए और यही कैमराज अब रेगुलर हॉट सेलिंग आइटम बन जाए। तो अभी इसमें जो एक कमी है छोटी सी, मैक्सिमम इंस्टॉलर को नहीं मालूम है कि इसकी जो IR लाइट्स हैं, ये आप इंस्टॉल करने के बाद अगर आप नॉर्मली जैसे कैमरास पहले गार्ड प्लस या IR कैमरास इंस्टॉल करते थे और आप चले आते थे हैंड ओवर करके साइड में, तो क्या होता था कि बाय डिफॉल्ट ही रात को सेंस करके सेंसर सेंस करता था और नाइट डार्कनेस पे अपना कलर विजन इनेबल हो जाता था, लाइट जलने लगती थी। बट इस वाले कैमराज में क्या है, दोनों कैमराज में, सीपी प्लस में भी और दहुआ में भी, कि इनमें आपका जो नाइट विजन है वो IR बाय डिफॉल्ट है। बट अगर आप स्मार्ट लाइट या गार्ड प्लस नाइट में चाहते हैं कि आपको कलर विजन चाहिए नाइट में, तो वो इसमें ऑटोमेटिक ही बाय डिफॉल्ट नहीं ओपन होगा। उसके लिए आपको एक सेटिंग करनी पड़ेगी DVR के थ्रू। और स्मार्ट का मतलब यह है कि इसमें एक फंक्शन ऐसा भी है कि अगर आपके जो DVR जिस पे आप इंस्टॉल कर रहे हैं, उस DVR में अगर वो आपका हायर मॉडल आप इंस्टॉल करते हैं या DVR का, तो उसमें क्या है कि आप नाइट विजन में IR और स्मार्ट दोनों एक साथ ही यूज कर सकते हैं। अगर आप बेसिक एक DVR लगा रहे हैं, जो बेसिक रेंज का DVR होता है स्टार्टिंग रेंज का, उसमें तो आपको इनेबल करना पड़ेगा और वो इनेबल होकर एक ही मोड काम करेगा, या तो लाइट में या आपका IR में। बट अगर आप कोई हायर वर्जन DVR का मॉडल यूज करते हैं, थोड़ा सा महंगा वाला, तो उसमें क्या है कि आपका नाइट विजन जो है वो आपके अकॉर्डिंग मूवमेंट्स के अकॉर्डिंग, जैसे भी कोई ह्यूमन एक्टिविटी व्हीकल एक्टिविटी होता है, तो उस कंडीशन में उसमें आपका गार्ड प्लस पे काम करेगा, कलर विजन पे काम करेगा, अदरवाइज इसकी IR लाइट जल जाएगी। बहुत बेटर फंक्शन कंपनी ने लॉन्च किया है मेरे हिसाब से, और क्वालिटी बहुत बढ़िया है, और विद इनबिल्ड माइक भी है। इसमें माइक भी दिया गया है, उसको आप इनेबल और डिसेबल भी अंदर से फंक्शन वाइज कर सकते हैं। तो चलो चलते हैं, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे करना है। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, जो लोग पहली बार चैनल पर आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक जरूर कीजिएगा, और कोई भी आपकी क्वेश्चन या क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और थैंक्स माई YouTube फैमिलीज कि मेरे 2000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं, और इसके लिए सभी को मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ हाथ जोड़ के। और इस तरीके से सपोर्ट करते रहिए, ऐसे ही हमारा साथ दीजिए, और हम आपको अच्छे से अच्छी टेक्नोलॉजी CCTV से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहेंगे इस चैनल पे। तो प्लीज जो लोग पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले हम लगाते हैं अपने दहुआ के कैमरे को, और ये दहुआ का ये NBR है। पहले इसको हम लगा के एक बार सेटिंग को चेक करते हैं, इसको फुल स्क्रीन पर कर लेते हैं पहले। ये देखिए, अब हमने इसके सामने हाथ रखा, अब देखिए यहाँ पे जो है आपको इसकी जो इंफ्रारेड लाइट है वो दिख रही है। देखो, रेड कलर की इंफ्रारेड जल रही है, ठीक है, अंधेरा होने पे और रोशनी होने पे जैसे ही इसके पास लाइट पड़ रही है तो ये कलर मोड पर आ जा रहा है। और जैसे हम इसको बंद करते हैं, फिर से देखो IR मोड पर ये ब्लैक एंड वाइट ही दिखाएगा, ठीक है, ये ब्लैक एंड वाइट दिख रहा होगा आपको, IR जल रहा है, ठीक है, स्टार लाइट नहीं जल रही। तो इसको इनेबल करने के लिए हम यहाँ पे इसको रख देते हैं कैमरास को पहले। तो हमें क्या करना है फ्रेंड्स, कि हमने राइट क्लिक करना है, ठीक है, इस पर, और यहाँ से जाना है आपको PTZ कंट्रोल पे जाके आपको जो भी आपका पैटर्न पासवर्ड है वो डाल के इसको इनेबल कर लेना है। जैसे आप अपना पैटर्न या पासवर्ड डाल के इनेबल करते हैं तो ये फंक्शन आपके सामने आएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको इस एरो पर क्लिक करना है, जो साइड में एरो दिख रहा है, इससे आपके कुछ फंक्शन खुल जाएंगे। तो ये वाला जो फंक्शन है, ये आपका मेन्यू वाला फंक्शन है, ठीक है, इस पर क्लिक करना है आपको। यहाँ पे टच करेंगे कॉर्नर पे, जिसमें डोम कैमरा स्टेप का बन के आ रहा है, तो कुछ फंक्शंस खुल जाएंगे इसमें। तो देखिए यहाँ पे कुछ फंक्शंस खुल गए, यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहे होंगे, ये अगर नहीं दिख रहे तो मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा इस तरीके से ब्लैक मोड पर कर देता हूँ, तो आपको फंक्शन क्लियरली दिख पाएंगे। देखिए यहाँ पे कुछ फंक्शंस लिख के आ रहे हैं, ये सारे लिखे हुए फंक्शन से नीचे। तो अभी क्या करना है आपको, इसमें आपको यहाँ पे ये नीचे इलुमैक्स के नाम से स्मार्ट वाला फंक्शन दिख रहा है, इस पे आपको लाना है इस एरो के थ्रू। यहाँ से ये PTZ कंट्रोल का एरो है, इससे आप उसको नीचे दबाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको ये दिख रहा होगा, ये एरो आपका नीचे आ रहा है, ठीक है, ये इस पे आ गया है। इसके बाद यहाँ पे लाना है आपको, तो यहाँ से अब वहां से इसको नीचे दबाते रहेंगे और ये इस तरीके से नीचे आते रहेगा, ठीक है, ये आ गया इस वाले। यहाँ पे लाने के बाद यहाँ पे देखिए स्मार्ट लिखा, स्मार्ट IR
एंड डब्ल्यू एल, मतलब आई आर एंड डब्ल्यू एल, ये वाइड लाइट और आई आर लाइट दोनों पे काम करेगा स्मार्ट पे, ठीक है। बट अभी हमारा जो डीवीआर है वो बेसिक मॉडल है तो इस पे ये फंक्शंस काम नहीं करेगा। उसके लिए अगर स्मार्ट डीवीआर होता है तो इसके लिए यहाँ से ये मोड रहता है, आपको डायरेक्टली डीवीआर से स्मार्ट इंटेलिजेंस में जाके कुछ सेटिंग्स करनी पड़ती है जिससे आपका आई आर और डब्ल्यू एल वो आपका कलर नाइट विजन दोनों ही ऑटोमेटिक काम करता है, वो मोशन पे करता है व्हीकल एंड ह्यूमंस, ठीक है। आदमी के आने जाने पे, सामने कैमरास के मूवमेंट पे या फिर गाड़ी के आने जाने पे वो अपना आप स्टार लाइट जल जाती है, अदरवाइज वो आई आर लाइट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें ये एक फंक्शंस काम नहीं करेगा, तो हमें इसका स्मार्ट लाइट अगर इनेबल करना है और आप इसको इंस्टॉल कर रहे हैं गार्ड प्लस कैमरास की तरह इसको यूज करना चाहते हैं नाइट में कलर विजन के लिए, तो आपको यहाँ पे लाकर इस वाले एरो से इसका ये फंक्शन चेंज करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे मेरे कर्सर, देखिए माउस का, इसको दबाता हूँ तो यहाँ चेंजेस आ रहा है, देखिए मोड, ठीक है, डब्ल्यू एल मोड आ गया है, ठीक है। डब्ल्यू एल मोड पे अब हम इसके आगे जैसे ही कोई भी चीज रखते हैं तो स्टार लाइट ऑटोमेटिक जल जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कैमराज है, हमने इसके सामने हाथ रखा तो यहाँ पे हाथ रखती जो इसमें स्मार्ट लाइट जल जाएगी, देखिए आपको रोशनी दिख रही होगी, ये स्मार्ट लाइट ऑन हो गई है इसकी, स्टार लाइट सॉरी, ठीक है। ये आपका अभी कलर नाइट विजन पे काम करेगा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ इसको। तो देखिए मैंने इसको थोड़ा सा नीचे रख दिया ताकि आपको पता लग सके, तो अभी देखिए इसका जो कलर नाइट विजन है वो इनेबल हो गया अपने, ठीक है। ये कलर नाइट विजन जब भी आप कहीं अंधेरे में लगाएंगे इसको तो इसका कलर नाइट विजन इस तरीके से इनेबल हो जाएगा। अगर आपको इंफ्रारेड चाहिए तो यहाँ पे डब्ल्यू एल की, डब्ल्यू एल मोड की जगह पे आपको आई आर मोड पे करना है, इसको चेंज करेंगे, ठीक है, इसको आई आर मोड पे कर देंगे तो ये रात को ब्लैक एंड व्हाइट मोड पे काम करेगा, ठीक है। आपका कलर मोड पे ये काम नहीं करेगा अगर इस कंडीशन में आई आर मोड पे रहेगा। हाँ, अगर ऑटो पे डालना है आपको, इसको स्मार्ट पे वर्क कराना है तो स्मार्ट के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है और इसको ऑटो मोड पे डाल देना है। तो ऑटो मोड पे क्या होगा कि ये जो आपका डीवीआर अगर सपोर्टेड है तो ये कलर तब दिखाएगा जब कोई मूवमेंट होगा, अदरवाइज ये ब्लैक एंड व्हाइट दिखाएगा। तो यही फंक्शन है सिंपल। और यहाँ से रिटर्न आने के लिए आपको सिर्फ नीचे लाना है, यहाँ पे नीचे आके एग्जिट पे क्लिक करना है और एग्जिट पे जैसे आप यहाँ पे एंटर मारेंगे, एंटर पे क्लिक कर देंगे तो एग्जिट हो जाएंगे। यहाँ से नीचे डिफॉल्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, अगर बाय चांस आपसे सेटिंग कुछ भी गलत हो जाती है तो आपको सिर्फ यहाँ पे एंटर पे क्लिक करना है। एंटर पे क्लिक करते ही ये यहाँ पे देखिए जो इसका ये है स्मार्ट लाइट पे ऑटोमेटिक आ गया है और हमें यहाँ से इसको नीचे करके एग्जिट पे क्लिक करना है। यहाँ से आप सेटिंग से बाहर आ सकते हैं, सेटिंग आपकी सेव राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, देन यहाँ पे आपके ये आपका बाय डिफॉल्ट हो गया है। अब चलते हैं, हम लगाते हैं सिक्स प्लस का कैमरा और सेम फंक्शन उसमें भी है। तो फ्रेंड्स मैंने ये सिक्स प्लस का कैमरा कर लिया है, ये वाला, ठीक है, बुलेट कैमरास, और इसको कनेक्ट करने के बाद इसका भी मैं आपको दिखाता हूँ कुछ सेटिंग्स के बाद। अभी देखिए इसमें हमने अगर हम इस पर हाथ रखते हैं तो इसका भी ब्लैक एंड व्हाइट मोड ही काम करेगा। देखो आईआर लाइट जल रही है, आप देख सकते हैं रेड कलर में आ रही है हल्की सी, ठीक है, ये आईआर लाइट है। इसमें ब्लैक एंड व्हाइट रात को नाइट विजन मिलेगा आपको, और जैसे ही आपका चाहते हैं कि कलर विजन चाहिए आपको इसमें तो यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है, पीटीजेड कंट्रोल में जाना है, सेम जैसे हम पहले गए थे दबाव वाली कंडीशन में, सेम यहाँ पे आने के बाद इस वाले ऑप्शन करना है जो ब्लू कलर में दिख रहा है आपको, डोम कैमरा साइन मारा, ये मेन्यू ऑप्शन है, देखिए एंटर मेन्यू लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करते ही यहाँ आपका ये फंक्शन खुल जाएगा। सेम आपको इसी ऑप्शन पे लाना है, और सीपी प्लस का डीवीआर है तब भी सेम ही फंक्शंस होते हैं सीपी प्लस वाले में, सीपी और दवा ऑलमोस्ट सेम ही फंक्शंस रहते हैं, तो हमने इस पे लाना है और यहाँ लाके इसका जो स्मार्ट आईआर एंड डब्ल्यू एल लिखा है इसको वाइड लाइट, डब्ल्यू एल का शॉर्ट फॉर्म वाइड लाइट है, ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है चेंज कर लेना है। देखिए यहाँ पे वाइड लाइट मोड आ गया है, ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे सॉरी इसको डार्कनेस में लाएंगे तो इसमें कलर जो आपका है कलर नाइट विजन पे काम करेगा, ठीक है। यहाँ पर हाथ रखते हैं हम और इसकी जो लाइट है वो ये वाली स्टार लाइट इनेबल हो जाएगी, देखिए यहाँ पे लाइट जल रही है आपके सामने, जैसे हाथ रखते हैं हम तो इसकी ये वाली लाइट इनेबल हो जाएगी। तो सेम फंक्शंस दोनों में, दवा सीपी में सेम ही फंक्शंस हैं और डीवीआर में भी ऑलमोस्ट सेम ही फंक्शंस होते हैं, तो सीपी वाले डीवीआर है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सेम फंक्शंस उसमें भी काम करेंगे। आप देख सकते हैं ये कलर मोड पे काम करने लगा है, अगर मैं इसको चेंज करता हूँ यहाँ से डब्ल्यू एल को चेंज कर लेता हूँ, ये मैंने डब्ल्यू एल को चेंज किया, ये आपका ऑटो पर हमने उस पर डाला, आई आर मोड पर डाला, तो आई आर मोड पर कुछ इस तरीके से ये कैमरास दिखाएगा। इसकी नाइट विजन क्वालिटी कुछ ये है, आप देख सकते हैं ये नाइट विजन क्वालिटी है, ठीक है, ये नाइट विजन में काम करेगा कुछ इस तरीके से, और इसको अगर कलर विजन में चाहिए आपको तो यहां से सिंपली आपको क्लिक करके इस मोड पे जो ये वाला लिख के आ रहा है इस वाले ऑप्शंस को यहां से चेंज करना पड़ेगा। यहां पर आईआर लिखा हुआ है, ये आईआर लिखा हुआ है मोड, ठीक है, इसको मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूं आपको, ये देखिए आई होप कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है, तो ये वाला आईआर मोड जो है इसको चेंज करना होगा आपको, यहाँ पे स्मार्ट
ये आ गया। स्मार्ट पे भी अगर रहता है तो भी ये नाइट मोड पे ही IR पे काम करेगा, ब्लैक एंड व्हाइट ही आएगा। इस तरीके से आपको अगर गार्ड प्लस की तरह इसको यूज करना है तो आपको यहाँ सिंपल इसको WL पे लाके छोड़ना होगा। WL पे आने के बाद ये इस तरीके से लाइट इनेबल हो जाएगी और आपका लाइट जलने लगेगा कैमराज के आगे। ये आप देख सकते हैं कैमराज पे जो है वाइट लाइट इनेबल हो गया है। WL का मतलब ये है वाइट लाइट, IR का मीन्स कि IR जो रेड लाइट होती है वो वाली जलती है। ठीक है, ये कैमराज विथ ऑडियो के साथ आता है। क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी काफ़ी ठीक है, आपको दिख रहा होगा पिक्चर क्वालिटी इसकी। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं ये नाइट विजन, कलर नाइट विजन है, ये आपकी कलर नाइट विजन पे काम कर रहा है। तो इस तरीके से आप इसको इनेबल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अब इसमें से एग्जिट कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको सिर्फ नीचे यहाँ पे लेके आना है, आपके नीचे वाले फंक्शंस पे जो ये वाला एग्जिट वाला फंक्शन है, एग्जिट पे आके आपको सिर्फ एंटर करना है। एंटर करते ही आप नॉर्मली बाहर जाएंगे। देखो यहाँ पे सेव और इसके लिए आ रहा है तो आपको यस पे क्लिक करना है, यस पे एंटर कर देना है। ठीक है, यस पे किया तो ये सेव हो जाएगा। अब ये इस तरीके से कलर मोड पे काम करेगा। ठीक, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। आपके लाइक से ही हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है और नई नई वीडियोस पे काम करने का, नई नई जो कैमरास लॉन्च होते हैं उनके बारे में आपको अवेयर करने का, उनके बारे उसके फीचर्स के बारे में आपको जानकारी देने का। और मैं अपनी सारी यूट्यूब फैमिलीज को थैंक्स बोलना चाहूंगा कि हमारी जो यूट्यूब फैमिलीज है अभी 2000 क्रॉस कर चुकी है अभी 22 अगस्त को। तो इसी तरीके से आप मेरा सपोर्ट करते रहिए, मैं आपको न्यू टेक्नोलॉजी से रूबरू कराता रहूंगा, नई नई वीडियोस अपलोड करता रहूंगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।